गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि देश में ऐसे, पूरे विश्व में ऐसे क्या हालात हुए जिसकी वजह से हमें यूएनओ का गठन करना पड़ा। आप सभी को पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसकी समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुआ। मतलब विश्व में बहुत से युद्ध हुए होंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक हुई, जिसे हम वारसाई की संधि के नाम से जानते हैं। और वारसाई की संधि जब हुई तो उसने पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर का आरोप जर्मनी के ऊपर थोप दिया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जर्मनी है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 28 जून 1919 को वारसाई की संधि हुई। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार आरोपी किसे ठहराया गया? जर्मनी को। लेकिन हो ना हो, वर्ल्ड वॉर तो हो चुका था, तो ये चिंता का विषय था कि वर्ल्ड वॉर हो तो गया, लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, उसके लिए पेरिस सम्मेलन हुआ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 जनवरी 1920 को पेरिस सम्मेलन हुआ, जहाँ पे हमने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। अब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, इसका मतलब अब लीग ऑफ नेशंस देखेगा कि दोबारा इस टाइप की घटना या इस टाइप के हालात दोबारा पूरे विश्व में ना हो। लेकिन जर्मनी के ऊपर पूरे प्रतिबंध लगा दिए गए। जर्मनी के ऊपर प्रतिबंध का मतलब ये था कि उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए। जर्मनी को बोला गया कि 1 लाख से अधिक आप सैनिक नहीं रख पाएंगे, अपनी कॉलोनी नहीं बसा पाएंगे, बहुत सारे, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से प्रतिबंध हो गया। और जर्मनी कहीं ना कहीं कह सकते हैं उपेक्षित हो गया। लेकिन जर्मनी का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आए, अमेरिका ने उनको सपोर्ट किए। लेकिन जब विश्व में 1929 और 30 के दशक में जब वैश्विक मंदी हुई, तो अमेरिका ने भी जर्मनी को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब जर्मनी के मन में आया, जैसे अब यार जिसकी लाठी उसका भैंस, मतलब जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। इसीलिए जर्मनी को लगा कि मुझे पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहिए। वैसी विचारधारा हो सकती है इटली में चल रही होगी कि मैं यूरोप को जीतूंगा, हो सकता है इस टाइप की विचारधारा जापान में चल रही होगी। अब कहीं ना कहीं दो विचारधाराओं में लोग बंटने लगे, और ये विचारधारा ही बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम, मतलब एक वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में आपको सामने नजर आएगा। फिर जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। यहाँ लिखा हुआ देखिए, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। ये पोलैंड पे अटैक करना ही द्वितीय विश्व युद्ध कहलाता है, जिसकी समाप्ति 2 सितंबर 1945 को हुई। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में जैसे इटली, जर्मनी, जापान, और मित्र राष्ट्र मतलब जैसे अमेरिका। और 1945 में जब मित्र राष्ट्र जीते और जीतने के बाद जब एक सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया सैन फ्रांसिस्को में। और सम्मेलन के होने के बाद ये सभी लोग मिले और लगभग इसमें 51 देश शामिल हुए। एक चार्टर बनाया गया और चार्टर के तहत सभी लोग साइन किए। साइन करने के बाद सब एक हुए, और एक होने के बाद लगा क्यों ना, जो यहाँ पे हम पहले बना चुके थे लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस की जगह क्यों ना हम संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाए। और इसी समय यहाँ लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क में है। आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम यूएनओ पे चर्चा करेंगे। हम आगे यूएनओ के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने बता दिया है कि आपको यूएनओ का गठन कब हुआ है। इसका गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मतलब अमेरिका में अगर जाएंगे आप, जैसे तो न्यूयॉर्क में देखना मैनहट्टन द्वीप है, उसी पे इसका मुख्यालय की स्थापना की गई है। और दूसरा ये भी है, अगर पहला प्रश्न ये आया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क आंसर होगा। यदि प्रश्न ये आया कि इसका ध्वज क्या है, तो दो जैतून की शाखाएं बनी हुई हैं ऐसे, और नीले कलर का यहाँ पे, मतलब नीले कलर का विश्व का मैप बना हुआ है ऐसे। ये प्रश्न आते हैं,
दूसरा, यहां यूएनओ में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं यूज होती है, तो 6, जिसमें एक है अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा रूसी, चौथा स्पेनिश, पांचवा अरबी और छठवा चीनी। चीनी मतलब मंदारी। लेकिन कोई बोले कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच शामिल है, मतलब दो भाषा को लिया गया। एक अगर कोई ये पूछे कि भैया इसमें कितने अंग शामिल होते हैं, टोटल अंग होते हैं 6, जिसमें हम एक एक अंग को देखते हैं। पहला अंग है यहां महासभा। जो महासभा है इसी को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, जो यूएनओ का बजट को नियंत्रित करता है। सबसे पहली महासभा की बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी, और यहां पे प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है। लेकिन वो 5 प्रतिनिधि जो हैं उनके वोट का जो भार होगा, वो वोट का जो भी भार होगा वो मतलब एक ही गिना जाएगा, एक वोट माना जाएगा। ये भी हो गया। दूसरा एक चीज, ये महासभा हो गया। दूसरा एक होता है इसमें सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अन्य नाम देखेंगे, एक है दुनिया का पुलिसमैन, या इसी को बोलते हैं यूएनओ का कार्यपालिका। ये सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें 10 जो मेंबर होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और जो स्थायी होते हैं उनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। और स्थायी में कौन 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 राष्ट्र आते हैं, 5 राष्ट्र आते हैं। कौन से, जिनका आप बोल सकते हैं मित्र राष्ट्र, आप कोड मान सकते हैं ABC लिखा देखो, ABCFR, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चीन, एफ फॉर फ्रांस और आर फॉर रूस। ये 5 जो मित्र राष्ट्र हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि यदि कोई बिल पास करना है, जैसे मान के चलिए रूस चाहता है वो बिल पास करना, फ्रांस भी चाहता है, चीन भी चाहता है, ब्रिटेन भी चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका उस बिल को पास नहीं करना चाहेगा तो नहीं होगा पास। मतलब वीटो पावर मतलब सर्वसम्मति होना चाहिए 5 का। ये एक तरह का वीटो पावर इनको दिया गया है मित्र राष्ट्र को। अगर कोई पूछे कि पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, तो सबसे पहले आएगा अमेरिका, और नंबर ऑफ टाइम्स किसने यूज किया, तो रूस आएगा। इसको भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि यूएनओ में टोटल कितने देश शामिल हैं, मतलब देश सदस्य शामिल हैं, तो उसमें 193 ही आंसर हुआ, जिस क्योंकि 192 नंबर का देश बना था पूर्वी तिमोर शामिल हुआ था, और 193 नंबर का बना था अभी दक्षिणी सूडान। तो 193 को याद रखिएगा आप, ठीक है। और एक इसमें और एक अंक के रूप में देखते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जब बहुत सारे देश आपस में लड़ाई करें, या सीज फायर का उल्लंघन करें, या यूएनओ के विरोध में बात करें, मतलब बहुत सारी चीजें, या पूरे विश्व में जब कोई गड़बड़ हो, तो उनके लिए भी एक कोर्ट होना चाहिए, एक न्यायालय होना चाहिए। तो उन सभी को मतलब जवाब देना पड़ता है। कहाँ जवाब देना पड़ता है, तो वहां पर खड़ा होना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या होती है 15, जो जिनका कार्यकाल होता है 9 साल का। अगर कोई पूछे आपको कि भारत का कोई व्यक्ति क्या वहां पे न्यायाधीश के रूप में शामिल था, तो पहला व्यक्ति है नागेंद्र सिंह। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? देखिए सबसे पहला प्रश्न आएगा कि यूएनओ का उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। कोई पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। ध्वज क्या होता है, तो जैतून की शाखाओं के बीच में विश्व का मैप। कोई पूछे कितनी भाषाएं हैं, तो 6। अंग भी कितने हैं, तो 6, और कैसे कैसे इसके कार्य हैं। अभी देखो अंग कितने, 6, महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 3 हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं आते, फिर भी अपन कुछ चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो टोटल इसके जो 6 अंग हैं, जिसमें हमने महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख लिया, 3 और हैं जिसमें से आ सकता है, जैसे मान के चलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद का मतलब क्या होता है कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक, ये सभी को मतलब क्या बोल सकते हैं, आपस में जोड़ना, या उसको एक मतलब बढ़ावा देने का काम करना, एक होता है। एक इसमें है न्याय परिषद। देखिए न्याय परिषद में टोटल सदस्य जो हैं वो तो 12 होते हैं, लेकिन कोई बोलेगा इसके आधार सदस्य कितने होते हैं, तो 4। 4 में एक आता है, जैसे मान के चलिए अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और न्यूजीलैंड है। एक प्रश्न ये भी आ जाता है। और आप देख सकते हैं, अब एक होता है सचिवालय, मतलब यूएनओ का पूरा जो काम है वो सारा काम जो करता है वो सचिवालय करते हैं, और सचिवालय का प्रमुख होता है, याद रखिए कार्यकाल मतलब जो महासचिव, महासचिव, और महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो जो महासचिव होते हैं, जैसे कोई पूछेगा कि यार हाँ मतलब यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिग्वेली थे जो नॉर्वे के थे, और वर्तमान में 90 हैं, 90 जो है मतलब एंटोनियो गुटेरेस जो अभी 90 नंबर में है, एंटोनियो गुटेरेस। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं।
तो बस ये इतना ही है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।